नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजू सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े लातेज प्रताप यादव लगातार जगदानंद सिंह पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस दिन लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए निकले थे उस दिन भी तेज प्रताप यादव का गुस्सा देखने को मिला था और ट्वीट करते हुए उन्होंने जगदानंद सिंह पर हमला बोला और ये कह दिया कि मुझे एक बार फिर से इस जगदानंद ने रोक लिया है। बता दें कि इसी को लेकर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए। पूछा गया कि आखिर तेज प्रताप यादव को पार्टी से क्यों दरकिनार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों ने यह भी सवाल पूछा कि क्या तेज प्रताप यादव पार्टी में है या नहीं। आपको बताएं कि जवाब में तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं कहा। जी हां, तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के मुद्दे पर बोलने से ही इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये बातें होने वाली ही नहीं है, ऐसे में आप इस तरह के सवाल मत पूछिए। किस तरह से तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है, किस तरह से मीडिया के जवाबों का सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, सुनवाते हैं आपको। चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल है, आप लोग प्रशांत में गए तेज प्रताप को नहीं लेके, जिससे वो नाराज चल रहा है। आप क्या में तेज प्रताप को नहीं लेके वो नाराज चल रहा है? सवाल जो है क्या चुनाव का है? अपनी पार्टी में नहीं मानते हैं उन्हें और चुनाव का है? तेजस्वी जी ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अगर दो सीट आप जीत गए तो आपकी सरकार बन जाएगी, तो कैसे बनेगी? वो कैसे बनेगी अगर दो सीट आप जीत गए तो सरकार आगे आपकी कैसे बनेगी? सरकार जा रही है ना, सरकार बन गई है, हम अभी खुलासा करते ताकि काले ना हो। अभी कोई चीज बताई जाए मध्य प्रदेश में सरकार नहीं रहा कैसे गई है? नंबर तो नहीं था बीजेपी के पास, ना कोई ऐसा तीसरा दल था जिसकी संख्या मेजोरिटी कांग्रेस। तो बता दें कि लगातार तेज प्रताप यादव की तरफ से आरजेडी के कुछ चुनिंदा नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हीं की वजह से पार्टी में टूट हो रही है और इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव को पार्टी से साइड किया जा रहा है। ऐसे में लगातार जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके पास कुछ नेताओं के खिलाफ काले चिट्ठे हैं और इतना ही नहीं वो सभी की पोल खोल कर रख देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस पूरे मसले से भागते और बचते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इतने दिनों से एक बार भी तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के मुद्दे पर कोई बातें नहीं कही। इतना ही नहीं, तेज प्रताप जब भी जगदानंद सिंह को लेकर भी बयान देते हैं तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव की खामोशी देखने को मिलती है। तो जहां एक तरफ तेज प्रताप का गुस्सा है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की चुप्पी है। आखिर में लालू प्रसाद यादव के ये दोनों लाल एक दूसरे से इतने अलग क्यों हो गए हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव पूरे मसले पर खामोश रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं और यही वजह है कि तेज प्रताप भले ही चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, पार्टी के नेताओं पर कितने भी आरोप लगा ले, सभी बातों पर तेजस्वी यादव की खामोशी देखने को मिलती है। खासकर यह भी देखा जाता है कि जब तेजस्वी यादव घर पर नहीं होते उसी वक्त लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप की मुलाकात होती है। ऐसे में ये जो तस्वीरें इस वक्त बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है या यूं कह ले कि लालू परिवार में इस वक्त जो कुछ भी देखने को मिल रहा है उससे इतना तो साफ जाहिर है कि दोनों भाइयों के बीच दरार आ चुकी है। अब इस दरार को कम करने की जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव के कंधों पर है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मीडिया के सवालों से भागते हुए तेजस्वी यादव दिखाई देते हैं तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव इन सवालों का सामना किस प्रकार करते हैं। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।